तो विजर का सीजन 3 वॉल्यूम 1 आ चुका है और इसका वॉल्यूम 2 जो है वो 24 जुलाई को ड्रॉप होना है। तो इसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां इसकी सीजन 2 ने हमें छोड़ा था, जहां मोनोलिथ्स के थ्रू दूसरे स्फीयर्स के जो डेंजरस और न्यू मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आ रहे थे और सीरी के पीछे ऑलमोस्ट पूरा कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ था। अब ऑनेस्टली बोलूं तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के अंदर कि आपको कैरेक्टर्स तो याद रहेंगे पर गुड लक विद रिमेंबरिंग देयर नेम्स, जिससे अगर किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का नाम आता है तो 2 मिनट आदमी खुद सोचने में लगा रहता है कि ये बंदा एक्चुअली है कौन। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत से लोगों को तो ये भी याद नहीं होगा कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था, किस क्लिफहैंगर के साथ सीजन 2 को खत्म किया गया था। चिंता मत करो, मुझे भी ध्यान नहीं था, मुझे भी रिकैप देखना पड़ा था इस सीजन 3 को देखने से पहले, तो आप लोग भी एक छोटा सा रिकैप जरूर देख लेना क्योंकि स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है फिर। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सीरीज बहुत बेकार है, एक्चुअली सीरीज में इतने सारे एलिमेंट्स है कि आप उस चीज को याद नहीं रख पाते। खैर, अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम सीजन 3 की बात करें तो अभी तक के एपिसोड्स की स्टोरी काफी सही चल रही है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है सीरीज की स्टोरी से। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड आपको फास्ट पेस्ड जरूर फील हो सकते हैं, लेकिन 5th एपिसोड में जो ही सस्पेंस क्रिएट होता है उसी एक रात के सीक्वेंस को लेके, वो देखने में मजा आ जाता है। लाइक लिटरली उसी चीज को आपको 4 से 5 बार दिखाया जाता है एंड जितनी बार आप उसे देखते हो कुछ नया जरूर पता चलता है। अब इसी रात की अगली सुबह गेराल्ट और येनिफर को पता चलता है कि एक्चुअली में जिस बंदे के पीछे उन्होंने पूरी रात भर मेहनत की और उसे पकड़वाया वो एक्चुअली में असली विलेन है ही नहीं, उनका सस्पेक्ट और विलेन कोई और बंदा है। और गेराल्ट जब उसे पकड़ने जाता है तब उसे गर्दन पे कोई एक कैरेक्टर चाकू रख देता है। अब वो कैरेक्टर कौन सा है वो तुम सीरीज देख के खुद जान जाओ। एंड इसी सस्पेंस के साथ वॉल्यूम 1 खत्म होता है। इसके अलावा अगर हम एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो गेराल्ट की जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं मैन टू मैन वाले, उसने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है जो कि मुझे पसंद आया। अब इन फाइट्स के बीच में ब्लड को थोड़ा और ज्यादा ओवर एग्जैगरेट करके दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वर्क कर जाता है। एंड इस सीजन के एक्शन का डेमो आपको एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में ही देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट रहेगी गेराल्ट और मॉन्स्टर्स के बीच की फाइट को लेके। जहाँ पहले के सीजन्स में मॉन्स्टर वाली फाइट को टाइम दिया जाता था और वो और भी ज्यादा इंटेंस फील हुआ करते थे, वो फील यहाँ नहीं आती क्योंकि मॉन्स्टर्स वाली बैटल को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाता है। एंड अगर आप लोग अपने रूट्स को भूल रहे हो तो विचर एक्चुअली में एक मॉन्स्टर हंटर ही है एंड जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, जो चीज उसका प्रोफेशन है, आप उसी को अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा अगर हम एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। इस पूरे सीजन के अंदर हर एक एक्टर ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। इसके अलावा एक अप्रिसिएशन जरूर बनता है राइटर्स का, जिन लोगों ने सीरी और गेराल्ट के बीच के रिलेशनशिप बॉन्ड को बहुत अच्छे से दिखाया है। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स के अंदर आपको ये बाप बेटी वाला रिश्ता फील होने लगता है एंड इस पूरे सीजन के अंदर आप उस रिलेशन को फील भी करते हो। और भाई येस्केयर के कैरेक्टर की इन्होंने बहुत गंदी मारी है, क्या ही जरूरत थी। आई मीन लिटरली वो कैरेक्टर इतना अच्छा था, अच्छी खासी वाइब देता है पूरी सीरीज के अंदर, लेकिन क्यों ही बर्बाद कर दिया भाई उसे तुमने, क्या चुल मची थी तुम लोगों को। एंड येस्केयर के कैरेक्टर को लेके जो भी चेंजेस किए हैं इन्होंने इस सीजन के अंदर, वो लिटरली वर्स्ट पॉइंट है इस पूरे सीजन का। सीजन 3 वॉल्यूम 1 एक सस्पेंस के साथ एंड होता है जिसकी आगे की स्टोरी हमें जानने को मिलेगी वॉल्यूम 2 के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 20 दिन बाद रिलीज होगा यानी कि 24 जुलाई को। एंड उसके बाद ये दुख खत्म नहीं होगा क्योंकि सीजन 3 जैसे ही खत्म होगा सीजन 4 के अंदर अपने को हेनरी केविल रिप्लेस होते हुए देखेंगे, यानी कि वो विचर का रोल नहीं प्ले करेंगे सीजन 4 के अंदर, अपने को लियाम हेम्सवर्थ दिखेंगे हेनरी केविल की जगह। एंड शायद ही मैं फिर सीजन 4 से कंटिन्यू करूं इस सीरीज को क्योंकि भाई मैं केवल के लिए ये सीरीज देख रहा था। एट द एंड ऑफ द डे सीजन 3 का वॉल्यूम 1 मुझे पसंद आया और मैं ये रेकमेंड भी करूंगा कि भाई तुम भी देखो, ये तुम्हें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि सीजन के अंदर कुछ कमियां जरूर हैं और वो सीजन 1 और 2 वाली वाइब को मैच नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है जितनी इसको गालियां पड़ रही है ट्विटर के अंदर। बाकी अगर आपने ये सीजन देख लिया है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आया तो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी इस विचर वाली सीरीज को कवर कर सके आपके साथ और फिर बाद में आप सब लोग डिस्कस कर सको और कूल बन सको ज्ञान देके। खैर, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो सिनेमा से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।